वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर जो आपका स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सेकंड लेक्चर है आपके पास फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। कि मींस के एक सोलेनोइड के अंदर जब करंट क्या कर रहा होगा, आपके पास फ्लो कर रहा होगा, तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो आपने क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट के अंदर क्या आ जाएगी आपके पास डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी, A long, tightly wound, cylindrical coil of wire is termed as solenoid. कि means के एक long, tightly wounded जो coil होगी, basically वो क्या कहलाएगी आपके पास, solenoid। इसकी physical example भी है, just like क्या आपके पास एक pencil के अंदर जो spring होगा, वो आपके पास क्या होगा, एक solenoid की क्या करेगा, example को show करेगा। अब solenoid जो है, वो basically एक टर्न के ऊपर भी कंसिस्ट कर सकती है और एक से ज्यादा टर्न के ऊपर भी क्या कर सकती है, कंसिस्ट कर सकती है। तो अब उसके बाद आ जाएगी आपके पास एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या होगा, सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टर्न्स। इट मींस कि सोलेनोइड जो होगी वो सिंगल टर्न की भी सोलेनोइड हो सकती है और मोर देन वन टर्न की भी क्या हो सकती है आपके पास सोलेनोइड। व्हेन करंट पासेस थ्रू इट, अब जैसे ही करंट सोलेनोइड के अंदर से क्या करेगा, पास करेगा, It behaves as a bar magnet. तो ये जो solenoid होगी, ये किस तरह behave करना शुरू कर देगी, bar magnet के तौर पे behave करना शुरू कर देगी। As early जिस तरह discuss किया कि जैसे एक bar magnet के अंदर क्या होगा, एक north pole होगा और एक क्या होगा आपके पास south pole। और जो magnetic field होगी वो कहाँ से originate हो रही होगी या कहाँ से start होगी, वो आपके पास north pole से start होगी और south pole के ऊपर क्या होगी, terminate होगी। तो अब बेसिकली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज कि इनसाइड द सोलेनोइड आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग, और आउटसाइड द सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वीक। बट आपके पास वो जो वीक होगी वो ज्यादा वीक नहीं होगी, बट इनसाइड की रिस्पेक्ट से, सोलेनोइड की इनसाइड की रिस्पेक्ट से आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगी वो क्या होगी, वीक होगी। तो अब नेक्स्ट होता है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी। इट मींस कि अब आपने मैग्नेटिक फील्ड बी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है सोलेनोइड में। तो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय यूजिंग एम्पीयर्स लॉ। अब आपने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर एम्पीयर्स लॉ को डिस्कस किया, तो इट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सोलेनोइड के अंदर, कौन सा लॉ यूज करके, एम्पीयर्स लॉ को यूज करके। तो कंसीडर्ड अ रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी ए एंड डिवाइड दिस लूप इनटू फोर सेगमेंट्स। इट मींस कि अब आप एक लूप लेंगे, करंट कैरिंग लूप, या आप सिंपल आप उसे कहेंगे कि वो कौन सा होगा, एम्पीरियन लूप। आप एम्पीरियन लूप लेंगे और उसको आप डिवाइड करवा देंगे फोर सेगमेंट्स के अंदर। अब फर्स्ट सेगमेंट जो होगा ए बी, उसको आप कहें सपोज ये आपके पास करंट कैरिंग लूप या एम्पीरियन लूप है। जो ए बी साइड होगी वो किस चीज की इक्वल होगी, एल वन। सिमिलरली जो आपके पास बी सी साइड होगी वो किस चीज की इक्वल होगी, एल टू। और जो आपके पास सी डी साइड होगी वो किस चीज की इक्वल होगी, एल थ्री। और जो आपके पास डी ए साइड होगी वो किस चीज की इक्वल होगी, एल फोर। इट मींस कि ये जो एम्पीरियन लूप होगा, अब समटाइम्स बुक्स के अंदर लिखा हुआ है आपके पास फ्रंट लूप, कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है एम्पीरियन लूप। तो इट मींस कि ये जो एम्पीरियन लूप होगा, जो करंट को कैरी किया होगा, उसको आप इनसाइड द सोलेनोइड, या आप कहेंगे कि आपने मैग्नेटिक फील्ड के क्या कर दिया, आपने प्लेस कर दिया सोलेनोइड के इनसाइड। अब इनसाइड द सोलेनोइड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। तो इट मींस कि ये जो डायरेक्शन होगी ये क्या शो कर रही होगी आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ओके, तो अब बाय यूजिंग एम्पीयर्स लॉ, एम्पीयर्स लॉ आपने क्या पढ़ा कि सिग्मा बी डॉट डेल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बट आपने समीशन या सिग्मा के साथ आपने क्या की, एक कंडीशन पुट की, और वो कंडीशन क्या थी, आर इज इक्वल टू वन टू एन। बट अब यहाँ पे कितनी साइड्स हैं आपके पास, जनरली फोर साइड्स हैं, तो अब यहाँ पे आर इज इक्वल टू वन टू क्या आ जाएगा आपके पास, फोर आ जाएगा। बिकॉज अब लिमिट के अंदर आपने उतना ही पुट करना होगा जितनी क्या होगी आपके पास, एम्पीरियन लूप की साइड होगी। So by using condition, अब condition क्या होगी कि अब आपने एम्पीयर्स लॉ को उसके लूप की रेस्पेक्ट से क्या कर देना है, सेपरेट डिवाइड। तो अब क्या होगा, B डॉट डेल एल वन, ये जो फार्मूला होगा, तो क्या आएगा, B डॉट डेल एल वन प्लस B डॉट डेल एल टू प्लस B डॉट डेल एल थ्री प्लस B डॉट डेल एल फोर is equal to mu not I. I say that this is equation A. ये कौन सी equation होगी आपके पास, capital equation A. अब यहाँ पे एक question ये arise होता है कि यहाँ पे value of length जो है वो क्या हो रही है, change हो रही है।
बट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है आपके पास सेम, तो इट मींस के जो आपके पास सोलेनाइड होगी उसके अंदर जब करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी ऑल ओवर द सोलेनाइड वो क्या रहेगी सेम। जब सेम रहेगी तो इट मींस आप इस पर जैसे क्या लिखेंगे कि हर एक आपके पास जो एलिमेंट होगा उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी आपके पास सेम। तो इसी वजह से बी यहाँ पे भी बी आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास बी, थर्ड के अंदर भी क्या आएगा सिंपल बी और फोर्थ के अंदर भी क्या आएगा सिंपल बी, जो किस चीज को शो करेगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को। ओके नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी डॉट डेल एल फॉर ईच एलिमेंट। इट मींस कि अब आपने हर एक एलिमेंट के लिए क्या करनी होगी उसके एम्पियर्स लॉ को क्या करना होगा यूज, मींस कि बी डॉट डेल एल की क्या करनी होगी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो देखें फॉर एलिमेंट ए बी इट मींस कि अब ये जो एम्पीरियल लूप था जिसको आपने फोर सेगमेंट्स के अंदर या फोर एलिमेंट्स के अंदर आपने उसको क्या किया था डिवाइड, तो अब आपने हर एक एलिमेंट के लिए क्या करना होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो सपोज फर्स्ट एलिमेंट आप कहते हैं कि ए टू बी मींस के फॉर एलिमेंट ए बी और वो किस चीज की इक्वल है एल वन, तो अब इट मींस के इस लेंथ के अंदर जो करंट बेसिकली फ्लो कर रहा होगा उसके आपके पास क्या होगी आपके पास ये डायरेक्शन होगी। तो इट मींस के बी डॉट डेल एल वन इज इक्वल टू बी एल वन कॉस ऑफ थीटा, बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि डॉट प्रोडक्ट जब भी खत्म होगा तो वहां पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा आएगा कॉस, तो ये क्या आ जाएगा बी डॉट डेल एल वन इज इक्वल टू बी एल वन कॉस ऑफ थीटा। तो अब थीटा किस चीज की इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्यों जीरो की इक्वल होगा बिकॉज अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है आपके पास सेम, जब सेम है तो इट मींस कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो अब सो क्या आ जाएगा बी एल वन कॉस ऑफ जीरो। तो अब कॉस जीरो के ऊपर आपके पास जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस एंगल जीरो के ऊपर ऑपरेट होगा इट मींस कि वहां पे वो वैल्यू क्या देगा आपके पास वन, तो ये क्या आ जाएगा बी डॉट डेल एल वन इज इक्वल टू बी एल वन। I say that this is equation one. Okay. For second element, अब आपने second element L2, जो आपके पास किस चीज की इक्वल होगा B to C की इक्वल होगा। अब देखें, B dot del L2 is equal to B L2 cos of theta. Okay. यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास B L2 cos of theta. तो देखें अब बेसिकली इसके अंदर जो एम्पीरियल लूप का ये एलिमेंट होगा इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी अपवर्ड, तो अब बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इस लेंथ ऑफ एलिमेंट के अंदर जो एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा 90, जब 90 होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अब 90 होगा तो कॉस 90 के ऊपर ऑपरेट होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास जीरो, इट मींस कि बी डॉट डेल एल वन किस चीज की इक्वल आ जाएगा आपके पास जीरो के इक्वल। तो ये आपके पास कौन सी आ गई इक्वेशन, इक्वेशन टू। इट मींस कि अब आपने दो साइड्स का क्या किया आपने एम्पियर्स लॉ को यूज करते हुए दोनों साइड्स की वैल्यू बी डॉट डेल एल क्या कर ली फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे थर्ड के लिए फाइंड आउट करेंगे।